कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि राफेल में ऑडिट डिपार्टमेंट की ओर से खबर आई कि किसी बिचौलिए को धन दिया गया है। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि उस बिचौलिए का नाम सार्वजनिक किया जाए। आज प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन की कमी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। हमारी मांग है कि वैक्सीन के विदेशों में निर्यात को बंद किया जाए। तीनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मगर हम भाजपा से पूछते हैं कि ये भानुमति का कुंभा है जो 8-8 मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने घूम रहे हैं। भाजपा पहले अपने घर पर तो ध्यान दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी आज सहाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के प्रचार करने भिलवाड़ा आए थे। उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा भुआ को तो चुनाव प्रचार से बाहर रख रही है और मध्य प्रदेश से भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुला रहे हैं, इससे भाजपा की कथनी और करनी साफ नजर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल पर उन्होंने कहा कि डोटासरा ने शिक्षकों का कतई अपमान नहीं किया है, राजनेता के पास सीधा ज्ञापन भी ईमेल से भेजा जा सकता है। प्रेस वार्ता में आरटीडीसी पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव आरसी चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, अक्षय त्रिपाठी, राजेश चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तो कुर्सी चाहिए थी, आज उनकी बुआ को राजस्थान में कोई पूछ नहीं रहा है और उनको बुला के प्रचार करा रहे हैं, तो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क आपको पता ही है। जो राजस्थान की बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है वसुंधरा जी कहीं नजर आ रही है आपको तीनों सीटों पे? और वसुंधरा जी को छोड़ के उनके भतीजे की जरूरत पड़ गई सहाड़ा के अंदर? तो भाजपा की कथनी करनी में अंतर आपको पता ही है। देखिए, राजस्थान शिक्षक कतई अतास नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक सामान्य भाषा के अंदर जो अपनी लोकोक्ति है उसका प्रयोग किया। उनके जिले के शिक्षक थे और उनसे संबंधित शिक्षक थे, उनको बिठा के उन्होंने चाय पानी भी पिलाया और उनकी बात भी सुनी। पर एक अनुशासन नाम की भी चीज होती है, तो अनुशासन के लिए पूछा गया था, अनुशासन की वजह से उनसे पूछा गया था कि आप छुट्टी लेके आए हैं या किस प्रकार से आए, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है इतना पूछना। तो नहीं तो पीड़ा लेके जाने, राजनेता अगर सरकारी कर्मचारी है तो आदमी ये तो पूछ ही सकता है ना कि छुट्टी लेके आया, या ज्ञापन तो आजकल ई मेल के माध्यम से या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचता है।